स्वागत है मित्रों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल इलेक्ट्रॉनिक स्टडी में। नमस्कार, आज के अपने इस वीडियो में मैं बात करूंगा डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के तहत आपका जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर आया था 2015 में उसके सॉल्यूशन को लेकर के, सॉल्यूशन के भाग दो को लेकर के। अगर मैं पार्ट वन की बात करूं तो उसके बारे में ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं, आज ही दो बार वो वीडियो अपलोड किया गया था। अगर आपने नहीं देखा है तो यहां पर आई बटन की लिंक मैं दे रहा हूं, जो है राइट साइड से एक जो है आई बटन करके आएगा यहां पर, ठीक है, लिंक खुल के उसको आप जाकर के देख सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, वहां से उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं इसमें जो है पार्ट टू को लेकर के, जिसमें मैं बात करूंगा आज क्वेश्चन नंबर 10 से जो क्वेश्चन नंबर 18 तक के जो आंसर्स हैं उनके बारे में। तो आंसर नंबर जो आपका 10 है, बात करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसको बताने में गलती हुई थी, इसीलिए मैंने उसके आंसर्स के संबंध में जो है सुझाव आप सभी से मांगे थे। तो उसको जो है सॉल्व करने में जो गलती हुई थी उसको यहाँ पर सुधारा गया है अभी जो है, तो आप उसको जो है सुधार सकते हैं। जो भी है उसमें क्वेश्चन जो लिखा था कि 1/8 - 3/8 + 2/8 / 1/4 का 1/2, तो जो समझने में गलती हुई है वो ये थी कि मैंने जो है आप इन सबको सॉल्व करके उसके बाद उसका 1/2 लिया था, फिलहाल 1/4 का 1/2 करना है, ठीक है, यानी कि 1/4 of 1/2, यानी 1/4 का 1/2 से पहले मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद बाकी चीजें होंगी इसमें। तो देख लीजिए 1/4 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया गया तो 1/8 आ गया, बिल्कुल आगे का आपका वैसा ही है, यहाँ पर डिवाइड था, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी जो है डिजिट्स पलट जाएंगी, तो आपका 8/1 हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, ये 2/1 आएगा, बाकी डिजिट्स आपकी ये एज इट इज चल रही है। यहाँ पर देखिए 1/8 - 3/8 + 2/1, अब इतने को आप पहले सॉल्व कर लीजिए, इतने को, ठीक है, इतने को जो आप सॉल्व करेंगे आपकी जो हर है वो समान है, तो हर को आप यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, 1 - 3 आपका -2 आएगा, -2/8 + 2/1, आप क्या करना है तिरियक गुणा कर लीजिए इसको, यहाँ पर इसको इससे गुणा करिए, 8 * 8 हो गया आपका, और इसको तिरियक गुणा कर लीजिए, तो ये 2 * 2 - 2 आएगा, और ये 8 * 2 = 16 हो जाएगा, -2 + 16, माइनस प्लस का आपका माइनस होता है, ठीक है, तो लेकिन संख्या के आगे आपकी जो है जो संख्या है उसके आगे जो साइन है वो प्लस का है, तो आप प्लस लगाएंगे, माइनस हो जाएगा, 16 - 2 आपका 14 आएगा, 14/8, यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 7/4, और आपके ऑप्शंस में जो बा ऑप्शन है सा है, ठीक है, 7/4 आपका सा, ये आपका उसमें सही होगा, ठीक है, तो इसको आप सुधार कर लें, खेद है जो गलती हुई है उसके लिए। चलिए बात कर लेते हैं आगे जो क्वेश्चन नंबर 10 है वहां से, और फिर मैं बता दूं अगर आप सभी को जो है पूरी तरीके से कोशिश की गई है कि कोई गलती ना हो, अगर आपको मिलती है तो आप बता सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, सॉल्व करके आप बता सकते हैं, स्वागत है आप सभी का वहां पे कमेंट में। तो चलिए बात कर लेते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 10 जो था, इसमें पूछा था कि 3, 5, x, 9, 11 का समांतर माध्य 7 है तो x की वैल्यू बतानी थी, ठीक है, तो चूंकि माध्य है समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पदमानों का योग डिवाइडेड बाई पदों की संख्या। कहने का मतलब ये है कि जितने भी आपके टर्म्स हैं उनका आप जो है टोटल ले लीजिए और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ जितने भी टर्म्स हैं कितने हैं आपके, 3 था, 5 था, x था, 9 था, 11 था, इसको मैंने जोड़ लिया, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ जुड़ी कितने, 1, 2, 3, 4, 5, मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, और ये किसके बराबर है, समांतर माध्य आपका 7 दिया हुआ है तो मैंने इक्वल टू 7 लिख दिया, एकदम सिंपल है फॉर्मूला, आपको ये पता होना चाहिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका 5 * 8 + x + 20 / 5 = 7, ये आपका 20 * 7 = 28 हो गया यहाँ पे, ठीक है, 28 + x / 5 = 7 हो गया, तिरियक गुणा कर लीजिए आप इसको, ठीक है, यहाँ पर आप 1 कर दीजिए, डिवाइड बाई 1 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, सॉरी पेन जो है, ठीक है, तो तिरियक गुणा कर लीजिए इसमें जो है, तो आपका ये हो जाएगा 28 + x = आपका 5 * 7 = 35, या x = 35 - 28, या आपका x = 7, आपकी जो x की वैल्यू आएगी वो 7 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका जो है 9:x दिया हुआ है और x:16 दिया हुआ है, तो x की वैल्यू पूछी है, आप 9:x को आप ऐसे लिख सकते हैं 9/x करके = x/16 लिख सकते हैं, बस कुछ नहीं करना, आप तिरियक गुणा यहां भी कर दीजिए जो है, तो ये एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर हो गया आपका, ठीक है, = 16 * 9 = 144, इसको आप इससे गुणा करेंगे 144 आएगा, तो x इक्वल टू जो स्क्वायर में था ये इसका अंडर रूट आ जाएगा, 144 का अंडर रूट निकालेंगे तो x इक्वल टू आपका 12 जो है वो आंसर आ जाएगा। ये तो आपका अति लघु की बात हो गई, बात कर लेते हैं लघुतरीय सवाल के बारे में। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 12 था इसमें था कि समबाहु त्रिभुज की एक ऊंचाई दी हुई है 3√3 cm, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसमें क्या है ऊंचाई दी हुई है, क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि हमको पता है जो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 a² बोलते हैं, ठीक है, भुजा को यहाँ पर a मानते हैं, तो अब क्या है यहाँ पर तो ऊंचाई दी हुई है, भुजा हमको पता नहीं है, ठीक है, हाइट अगर होता तो हाइट में रख देता सीधे सीधे फॉर्मूले में आ जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है कि भुजा का स्क्वायर है, अब इसको निकालने के लिए क्या करना है, भुजा
तो भुजा को फाइंड आउट करने के लिए देखता हूँ मैं यहाँ पर, चलिए बात करते हैं। मान लीजिए कि इसकी भुजा की जो प्रत्येक भुजा है वो मान लीजिए ए है, ठीक है। चूंकि जो समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है रूट थ्री बाई टू ए। दो फॉर्मूले आपको इसमें याद करने हैं, एक तो ये कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर होता है, और जब आप ऊंचाई की बात करते हैं तो ये जो है यहाँ पर क्या होगा रूट थ्री बाई टू ए हो जाएगा, ठीक है। तो ए क्या है आपके यहाँ पे भुजा है। अच्छा जहां पर क्या लिखा मैंने समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दी हुई है थ्री रूट थ्री, मैंने रख दिया यहाँ पर वैल्यू इक्वल टू क्या है आपका रूट थ्री बाई टू ए, रूट थ्री बाई टू ए बिल्कुल वही रख दिया गया है। अब क्या करना है मैंने फिर से यहाँ पर तिर्यक गुणा कर दिया है, ठीक है। अब जब आप तिर्यक गुणा करेंगे देखिए यहाँ पर लिखा थ्री रूट थ्री मल्टीप्लाई बाई टू इक्वल टू आपका रूट थ्री ए, ठीक है। ये आपका तीन दुनी छह रूट थ्री हो जाएगा इक्वल टू रूट थ्री ए, रूट थ्री से रूट थ्री आपका कैंसिल हो जाएगा, ए इज इक्वल टू आपका कितना आएगा सिक्स सेंटीमीटर। ए क्या है आपकी भुजा है। अब जब हमको भुजा मिल गई तो क्षेत्रफल आसानी से आ जाएगा। फॉर्मूला आपको पता ही है कि रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर होता है, उसमें रख दीजिए ए स्क्वायर यानी कि छकाक छत्तीस आपका ये हो गया, तो बस रूट थ्री बाई फोर इंटू थर्टी सिक्स तो चार नौ छत्तीस यानी कि नौ रूट तीन जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा आपका नाइन रूट थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ध्यान रहे आप जो यूनिट है उसका विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऊंचाई है तो आपका सेंटीमीटर है, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई कुछ भी है तो सेंटीमीटर है, जब क्षेत्रफल की बात आती है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, इसमें गुणनखंड निकालना था, इसमें एक्स टू द पावर फोर वाई माइनस एक्स टू द पावर वन वाई की पावर फोर, इसमें इसका गुणनखंड निकालना है। तो क्या करना है सिंपल सा, इसमें एक्स वाई दिख रहा है, इसमें एक्स वाई दिख रहा है, आप कॉमन ले लीजिए। कॉमन ले लेंगे तो यहां से जब एक्स वाई निकल जाएगा यहाँ पर तीन एक्स बचे, एक्स टू द पावर थ्री माइनस यहाँ पर आपका तीन वाई, वाई की पावर तीन बचेगा, ठीक है, y की पावर तीन हो जाएगा। एक्स वाई जो है यहाँ पर कॉमन लेने पर मैंने लिख दिया है यहाँ पे। अब क्या है वहां पर एक क्वेश्चन आप देखे होंगे इसी में था कि उसमें जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ रहा था, तो आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया था। यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आ रहा है तो आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ध्यान रहे ये माइनस है, ठीक है, प्लस नहीं है, ये माइनस है, यहाँ पर लिखा हुआ है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बस यही चीज आप इसमें लगा दीजिए जो है एक्स वाई आपका है ये एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होगी जो है, आप आराम से करिएगा, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ रूट में 121 प्लस रूट में 64 माइनस में है रूट में अंडर रूट में है 0.04 फिर है प्लस में अंडर रूट में 0.16 की वैल्यू बतानी है। तो आप वर्गमूल निकाल लीजिए इनका जो है, आप जब 121 का निकालेंगे जो है इसमें तो आपका आएगा 11, 11 ग्रह 121 होता है, ठीक है। अंडर रूट निकालेंगे जब 11 आ जाएगा 64 का आपका आएगा 8, 8 अठाई 64, उसके बाद जब आप निकालेंगे 0.04 का तो 0.2 को आप जब जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 0.04, और उसके बाद जो है जब आप 16 की बात करेंगे तो यहां से आपको देखने को मिलेगा 0.4, ठीक है। तो अब इसमें जो है 11 और 8 कितना हो गया आपका 19 हो गया, और माइनस में कितना है ये 0.2 और ये आपका 0.4 है, ठीक है। यहाँ पर माइनस और प्लस का आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएंगे तो आपका 0.2 उत्तर आएगा यहाँ पे, और आगे 19 प्लस दशमलव दो आपका आएगा 19.2 आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात कर लेते हैं, इसमें दिया हुआ था जो आपका 15 नंबर सवाल है, इसमें पूछा था कि एक काम 30 मजदूर जो है 16 दिन में करते हैं तो 12 मजदूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। जब मैंने क्वेश्चन पेपर बताया था तो उसमें दो मजदूर लिखा हुआ था, ध्यान रहे 12 मजदूर पूछा था, ठीक है, वहां पर आप जो है इसको सुधार कर लीजिएगा। तो 12 मजदूर कितने दिन में करेंगे, तो कुछ नहीं है आपका मजदूर गुड़े दिन और इक्वल टू मजदूर गुड़े दिन दूसरा, ठीक है। पहले दिन कितने थे और दूसरे दिन कितने थे वैसे ही आपको लगा देना। तो पहले दिन मजदूरों की संख्या 30 थी, दिन कितना था जितना दिन लिया उन्होंने काम करने में 16, दूसरे दिन मजदूरों की संख्या कितनी थी आपकी 12 थी, ठीक है। कितना टाइम लिया उन्होंने वो हमको निकालना है, कितना दिन, तो मैंने D2 कर दिया इसको, बस इसको आप 30 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो है इसको आपका 12D2 हो जाएगा, 12D2 इक्वल टू आपका आएगा 16×48 यानी कि 480, ये आपका 480 आ गया, या D2 इक्वल टू 480 डिवाइड बाई 12, तो 12×48 यानी कि 40 दिन। एकदम सिंपल सा है, केवल ये फॉर्मूला आप रखिए आपके सामने आंसर आ जाएगा, ठीक है। 40 दिन जो है यानी कि जो 12 मजदूर है, जब 30 मजदूर जो है 16 दिन में करते हैं तो जो 12 मजदूर हैं वो आपके जो है 40 दिन में करेंगे उसको काम को। क्वेश्चन नंबर 16 में है, इसकी बात कर लेते हैं, इसमें लिखा हुआ है 4, 11, 16, 15, 12, 5, 7, 9, 10, इसकी आपको मेडियन निकालना है, मध्यिका निकालनी है। यहाँ पर जब आप डिजिट्स को गिनेंगे कितनी है तो वो 9 आ रही है, जब विषम आ रही है तो ऐसे केस में जो मध्यिका निकालने का जो फॉर्मूला होता है सूत्र वो होता है n+1/2। एन क्या है, नंबर ऑफ जो टर्म्स आपके लिखे हुए हैं, ठीक है। तो जब विषम है तो एन बाई, तो n कितना है आपका 9, ये इसको मैंने काउंट किया तो कितना है 9 आया, तो मैंने लिख दिया 9+1/2, ये आपका 10/2 आएगा इक्वल टू, ये क्या होता है n+1/2 वां पद, ये होता है फॉर्मूला आपका, ठीक है। तो ये आपका पांचवा पद आ जाएगा,
तो अब देखिए सबसे पहले इसको तो आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, ठीक है, एक आरोही क्रम में बढ़ते हुए उसमें जो है आप लगाइए। तो सबसे पहले जब आप श्रेणी को पुनर्व्यवस्थित करते हैं तो आपको 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16 ऐसे देखने को मिलेगा। अब आप स्टार्टिंग से देखिए, ठीक है, आप स्टार्टिंग से देखिए या फिर आप इधर से देखिए, दोनों तरफ से जो आपका पांचवा पद होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, और यहां से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, क्या आ रहा है पांचवा पद आपका 10, तो आपका 10 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को लेकर के। 17 में था कि चित्र में दिया हुआ था एबीसीडी एक वर्ग है, वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर दी हुई थी, उस अंतराल में खींचे गए, यानी कि वर्ग के अंतराल में खींचे गए जो वृत्त की परिधि है, सर्कमफेरेंस, उसकी जो है आपको गणना करनी थी। वर्ग की भुजा आपकी 7 सेंटीमीटर दी हुई है, वृत्त की जो परिधि है, परिधि का जो फॉर्मूला होता है होता है 2πr। अब r दिया हुआ है, अब r हमको सबसे पहले तो पहले r निकालना पड़ेगा, ठीक है, जब r फाइंड आउट हमको हो जाएगा तो हम परिधि वाले फॉर्मूले में लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो वृत्त की त्रिज्या जो होती है, यानी r इक्वल टू वो होता है d, जो लिखा हुआ है ये डायमीटर है, यानी व्यास बटे 2, ठीक है, ये आपका पूरा अगर वृत्त है, ये पूरा सॉरी ये अगर आपका वृत्त है तो ये आपकी ये डायमीटर होगी जिसको व्यास बोलेंगे, और ये इतना आधा जो है इसकी त्रिज्या होगी, ठीक है, तो डी बाई टू कर दीजिए, चूंकि भुजा इसकी दी हुई है इतनी, तो डी बाई टू करेंगे तो 7/2 हो जाएगा बस। तो r की वैल्यू आपकी 7/2 आ गई, अब इस परिधि वाले फॉर्मूले में आप रख दीजिए, तो परिधि इक्वल टू हो जाएगा 2πr, पाई की वैल्यू होती है 22/7, 3.1416 भी आप रख सकते हैं फिलहाल, लेकिन यहाँ पे 22/7 है जो कि हमारा इससे कट जाएगा, तो इसलिए मैंने 22/7 ही रखा है। तो 2 × 22/7 × 7/2 हो जाएगा, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएंगे और 11 × 22, ठीक है, यानी कि 11 × 22 आपका, यानी जो परिधि आएगी वो आएगी 22 सेंटीमीटर, ठीक है। लास्ट और क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात कर लेते हैं, जो इसमें 2015 से आपके क्वेश्चन पेपर गणित से, इसमें जो 18 में दिया है कि आपको एक त्रिभुज दिया हुआ था, ए बी के मध्य बिंदु डी था, एसी का मध्य बिंदु जो है ये ए सी, इसका मध्य बिंदु ई दिया हुआ था, बीसी इक्वल टू आपका 6 सेंटीमीटर है, बीसी 6 दिया हुआ था, तो डी की वैल्यू पूछी थी। तो ध्यान रहे जो आपका प्रमेय है वो यही कहता है कि डी इक्वल टू हाफ बीसी होता है, तो जो बीसी की जो वैल्यू दी हुई है उसको आधा कर दीजिए, आपका जो है डी आ जाएगा, तो हाफ इंटू 6 या 3 सेंटीमीटर आ गया। वहीं पूछा था कि बीसी और डीई में संबंध क्या होगा, दोनों पैरेलल दिख रहे हैं इसमें, समानांतर उसमें, तो बीसी डिवाइडेड बाई डीई आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो फिलहाल मित्रों वीडियो में इतना ही था, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 to 18 जो है मैंने सॉल्यूशन बता दिया है आपका बीटीसी या डीएलएड सेकंड सेमेस्टर से, जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर 2015 था उसके बारे में। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर कुछ गलती आपको मिलती है, आप अगर देखने को मिलती है तो आप कमेंट में जरूर बताएं एक बार, गलतियां मुझसे भी हो सकती हैं, ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में हुई, तो आप बता सकते हैं, जो है आपका स्वागत है वहां पे। और जो भी हमारे नए यूजर्स हैं, जो भी नए जो व्यूअर्स हैं, उसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, रेड बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ऐसे वीडियोज में जो भी है मैं लेकर के आता हूं सभी वीडियोज को देखने के लिए। तो जल्दी ही मिलते हैं जो है अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।